हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुमकुम किचन्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू कटलेट। ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे और बच्चों से लेके बड़ों तक को बहुत अच्छे लगते हैं। ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी होते हैं, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे। आप इसको इवनिंग स्नैक्स के तौर पर भी बना सकते हैं या आप इसे पार्टी स्टार्टर के तौर पर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। इसके लिए मैंने गैस ऑन करके एक फ्राइंग पैन रख लिया है। अब इसमें मैं एक कप पानी डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक डालेंगे, एक छोटा चम्मच मैंने यहाँ तेल डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मैं 1/3 कप सूजी डाल रही हूँ। सूजी आप कैसे भी यूज कर सकते हैं, मोटी वाली या पतली वाली जो आपके पास अवेलेबल हो। इसे अच्छे से चलाते हुए इस तरीके से हमें पका लेना है जब तक ये पूरे तरीके से पक जाए, और इसे ठंडा कर लेना है। देखिए इस तरीके से मैंने इसे चम्मच से चलाते हुए ठंडा कर लिया है। अब इसमें मैं सूजी से दुगनी मात्रा में आलू मिक्स कर रही हूँ। एक बड़ा चम्मच में यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई डाल रही हूँ। अब हम इसमें आधा प्याज बारीक कटा हुआ डाल देंगे। हरा धनिया डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालिए क्योंकि हमने सूजी में भी नमक डाला था। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाला है। 1 चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। अब हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए मैंने इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लिया है, हमारा मिश्रण तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच मैदा लिया है और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक घोल बनाकर तैयार कर लूँगी। इसमें कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए, हमें बिल्कुल चिकना घोल बनाना है। इस तरीके का पतला घोल मैंने बना लिया है और यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड के ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। देखिए अब हम जो मिश्रण है उसको हाथों में तेल लगाकर थोड़ा थोड़ा भाग हाथों में लेंगे, और आप जिस भी आकार के कटलेट बनाना चाहते हैं बना लीजिए। मैं यहाँ गोल आकार के बना रही हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने कटलेट बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने घोल ले लिया है मैदे का, और एक जो कटलेट है इसको उठाकर हम मैदे के घोल में डिप करेंगे और इसे निकालकर हमें यहाँ पर ब्रेड क्रम्स में अच्छे तरीके से कोट कर लेना है, जिससे कि इसका सारा मॉइस्चर ब्रेड क्रम्स सोख ले और ब्रेड क्रम्स अच्छे से कोट हो जाए। यहाँ पर मैंने तेल को गर्म कर लिया है और इसे हम गर्म तेल में डालकर फ्राई करेंगे। एक बार तेल गर्म हो जाने के बाद पे आप गैस को मीडियम कर दीजिए, जिससे कि हमारे जो कटलेट हैं वो अच्छे से पकेंगे और क्रिस्पी बनेंगे। देखिए इनको अच्छे से सुनहरा रंग आने तक फ्राई कीजिए। इस तरीके से पलट पलट कर आप इन्हें दोनों तरफ से फ्राई कर लीजिए। हमारे कटलेट फ्राई हो गए हैं, हम इन्हें निकाल लेते हैं। देखिए मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ कितने अच्छे से फ्राई हुआ है, और ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। देखिए सारे कटलेट मैंने निकाल लिए, मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से हमारे कटलेट बनकर तैयार हो गए हैं। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से देखिए कितने सॉफ्ट हैं ये। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।